नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं भोजपुरी रिमझिम में। दोस्तों, भोजपुरी के ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव कुछ भी करें तो वो चर्चा में बन जाते हैं। लेकिन जिस तरीके से एक साल से लगातार भोजपुरी इंडस्ट्री में एक नए परिवर्तन, नए बदलाव की ओर भोजपुरी के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव बढ़ रहे हैं, उसको देखकर लगता है कि भोजपुरी भाषा और भोजपुरी का जो क्वालिटी है वो पूरे देश में नंबर वन पर अपना पोजिशन ऑक्यूपाइड करने वाला है। क्योंकि जिस तरीके का इन्वेस्टमेंट, जिस तरीके के हीरोइन, कोरियोग्राफी, डांसिंग और हर मोमेंट्स को ख्याल रखते हुए खेसारी लाल यादव अपने गानों को बना रहे हैं, उससे तो यही लगता है कि भैया बॉलीवुड में भी खेसारी लाल यादव का जलवा चलने वाला है और पूरे देश में भोजपुरी इंडस्ट्री की गूंज होने वाली है। वहीं बात करें तो भोजपुरी इंडस्ट्री में हर सीजन में गाना भी रिलीज़ किया जाता है और खेसारी लाल यादव जिस तरीके से क्वालिटी ऑफ कंटेंट लोगों के बीच दे रहे हैं, तो उसी बीच अब सावन के गानों में भी खेसारी लाल यादव की सोच जो है वो कुछ नया करने की है, जो कि आप हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर या फिर सोशल मीडिया के माध्यम से आप अलग अलग खेसारी लाल यादव के लुक और तस्वीरें देखते होंगे कि किस तरीके से बोलबम वाले गानों को खेसारी लाल यादव अपने नए नए अलग अलग अंदाज में शूटिंग करते नज़र आ रहे हैं। और जब इतनी अंदाज निराली है, इतना ज़बरदस्त तरीके का लुक होगा, तो गाना का क्वालिटी भी बेहतर होगा और खेसारी लाल यादव भलीभांति इस चीज़ को पूरा कर रहे हैं ताकि भोजपुरी इंडस्ट्री में एक नया परिवर्तन आए, नया बदलाव आए और भोजपुरी इंडस्ट्री में हर कोई अगर ऐसा सोचने लगे तो भोजपुरी भाषा और भोजपुरी की जिस तरीके से बात होती है वो पूरे देश में एक अच्छे पटल पर जाएगी और उसमें खेसारी लाल यादव का भी अहम योगदान होगा। और खेसारी लाल यादव की सावन की कई सारी तस्वीरें सोशल मीडिया पर आपने देखा होगा जो वायरल हो रहा है। वैसे बात करें तो खेसारी लाल यादव का एक गाना ऑलरेडी एल्बम का रिलीज हो चुका है, जो कि 4 दिन में 42 लाख से ज़्यादा व्यूज़ मिल चुके हैं आदिशक्ति फिल्म से क्या बोलेगा जी एल्बम रिलीज़ हुआ था, जो कि काफ़ी ज़्यादा बवाल है। और आगे देखना दिलचस्प होगा कि जब खेसारी लाल यादव के नए एल्बम के गाने आते हैं तो उसका क्वालिटी कंटेंट कैसा होता है। बाकी आपने गाना सुना होगा और कई सारी तस्वीरें देखी ही होंगी, तो उस तस्वीरों को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में धकाधक बता दीजिए। धन्यवाद।